जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम सुनेंगे महाशिवरात्रि व्रत में सुनी जाने वाली एक कहानी। चित्रभानु नामक एक शिकारी था, एक साहूकार का कर्जदार भी था, लेकिन उसका ऋण समय पर नहीं चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया था। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मगन होकर शिव पार्वती की धार्मिक बातें सुनता रहा और चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी थी। साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा कर्ज ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से मुक्त हो गया, छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधेरा हो गया तो उसने विचार किया कि आज की रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह एक तालाब के किनारे बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बिताने लगा। बेल पत्र के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग भी था जो बेल पत्र से ढका हुआ था। इस बात का शिकारी को कुछ पता नहीं था। आराम करने के लिए उसने बेलपत्र की कुछ पत्तियां तोड़ी। इस प्रक्रिया में बेलपत्र की पत्तियां शिवलिंग पर जा गिरी। शिकारी भूखा प्यासा उसी स्थान पर बैठा रहा। इस प्रकार शिकारी का व्रत हो गया। तभी एक गर्भवती हिरणी तालाब पर पानी पीने के लिए आई। हिरणी को शिकारी ने जाने नहीं दिया। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर हिरणी को मारने की कोशिश की। जैसे ही कोशिश की वैसे ही हिरणी बोली, मैं गर्भ से हूँ, शीघ्र ही अपने बच्चे को जन्म दूंगी। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर तुम्हारे पास लौट आऊंगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। शिकारी ने तीर वापिस लिया और हिरणी को वहां से जाने दिया। शिकारी के तीर से कुछ बेल पत्र के पत्ते टूटकर शिवलिंग पर जा गिरे। इस प्रकार से शिकारी की प्रथम प्रहर की पूजा पूर्ण हो गई। कुछ देर बाद एक और हिरणी उधर से निकल रही थी। पास आने पर शिकारी ने तुरंत ही धनुष पर तीर चढ़ाकर निशाना लगा दिया। लेकिन तभी हिरणी ने शिकारी से निवेदन किया, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त होकर आई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय को खोज रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर तुम्हारे पास आऊंगी। शिकारी ने इस हिरणी को भी जाने दिया। शिकारी विचार करने लगा। इस दौरान रात्रि का आखिरी प्रहर भी बीत रहा था। इस बार उसके धनुष से बेलपत्र के कुछ पत्ते टूटकर शिवलिंग पर फिर से जा गिरे और शिकारी के दूसरे प्रहर की पूजा भी पूर्ण हो गई। इसके बाद तीसरी हिरणी शिकारी को आते हुए दिखाई दी। अपने बच्चों के साथ तालाब के पास से गुजर रही थी। शिकारी ने धनुष उठाकर निशाना साधा। शिकारी तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता को सौंप कर वापिस आपके पास लौटकर जरूर आऊंगी, मुझे अभी जाने दो। शिकारी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और बताया कि दो हिरणी आपसे पहले मुझसे वादा करके जा चुकी है। हिरणी ने कहा, शिकारी मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपको वापिस आने का वचन देती हूँ। हिरणी ने जब ऐसा बोला तो शिकारी को हिरणी पर दया आ गई। शिकारी ने उस हिरणी को भी वहां से जाने दिया। उधर भूखा प्यासा शिकारी बेलपत्र की पत्तियां तोड़कर अनजाने में फेंकता रहा। इस प्रकार उसके तीसरे प्रहर की पूजा भी पूर्ण हो गई। सुबह की जब पहली किरण निकली तो उसे एक मृग आता हुआ दिखाई दिया। शिकारी खुश होकर अपना तीर मृग को मारने के लिए चलाने लगा। मृग ने दुखी होकर शिकारी से कहा, तुमने मुझसे पूर्व आने वाली तीन हिरणियों और बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मार दो। देर न करो, क्योंकि मैं उनका दुख सहन नहीं कर सकता हूँ। मैं उन हिरणियों का पति हूँ, यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी छोड़ दो। मैं अपने परिवार से मिलकर जल्द ही वापिस आऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। अब सूर्य पूरी तरह से निकल आया था और सुबह भी हो चुकी थी। शिकारी से अनजाने में शिवरात्रि के चौथे प्रहर की पूजा भी पूर्ण हुई और रात्रि का जागरण
और व्रत भी पूर्ण हुआ। इस प्रकार शिकारी से चार प्रहर की पूजा और शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाने की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी थी। उसका उसे तुरंत ही फल प्राप्त हुआ। भगवान शिव की कृपा से शिकारी का हृदय बदल गया था। शिकारी का मन एकदम पवित्र हो चुका था, निर्मल हो चुका था। कुछ देर बाद शिकारी के सामने संपूर्ण मृग परिवार मौजूद था ताकि शिकारी उसका शिकार कर सके, लेकिन शिकारी ने ऐसा नहीं किया। सभी को वहां से जाने दिया। महाशिवरात्रि के दिन शिकारी द्वारा पूजन की विधि पूर्ण करने के कारण उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। शिकारी की मृत्यु होने पर यमदूत उसे लेने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया। शिवगण शिकारी को लेकर शिवलोक आ गए। भगवान शिव की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु स्वयं पिछले जन्मों को याद रख पाए और महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। इसके लिए महादेव जी ने उसे वरदान दिया और चित्रभानु को महादेव जी की कृपा से स्वर्ग लोक की प्राप्ति। उम्मीद है कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर देना ताकि आने वाला कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा।